It was a very busy day today. Hi, I'm Dr. Manisha Gaur, clinical psychologist, relationship expert and a counselor. आज मेरा इतना stressful busy दिन था that I really felt like I got chocolate ice cream for myself and मुझे मन किया कि मैं बहुत सारी ice cream खाऊँ आज. तो आज हम बात भी इसी बारे में करने वाले हैं. We are going to talk about stress eating. स्ट्रेस ईटिंग कब होती है, इमोशनल ईटिंग कब होती है. सो देर आर यू नो वेन वी टॉक अबाउट इमोशनल ईटिंग इज जस्ट नॉट कि जब हम स्ट्रेस में हैं तभी हम खा रहे हैं. इमोशनल ईटिंग हैपन्स जब हम बहुत खुश होते हैं तब भी. इमोशनल ईटिंग हैपन्स जब हम काम कर रहे होते हैं, बिजी होते हैं और अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं तब भी हम खाते हैं. इमोशनल ईटिंग तब भी होती है जब हम एक पिक्चर सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं एंड वी सिट विद अ टब ऑफ पॉपकॉर्न, फुल ऑफ पॉपकॉर्न. मैं तो करती हूँ कि नहीं, जब तक हमने पॉपकॉर्न नहीं खाए या जब तक हमने नाचोस नहीं खाए तो हमने क्या मूवी देखी. बिकॉज वी आर थ्रिल्ड एट दैट टाइम, हमारे इमोशंस जनरेट हो जाते हैं तो उससे हमारा ईटिंग बिहेवियर होता है. सो एक्सेस ईटिंग इज नॉट ऑलवेज एबनॉर्मल, बट इफ इट इज हैपनिंग रेगुलरली और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो वो एबनॉर्मल हो जाती है. एंड थोड़ी थोड़ी देर में अगर हम खाते रहते हैं, हमें भूख नहीं है फिर भी हम खा रहे हैं एंड जस्ट टू कीप आर सेल्फ हैप्पी, जस्ट टू सेटिस्फाई आर सेल्फ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस ईटिंग एंड दैट इज द पार्ट ऑफ इमोशनल ईटिंग. सो आई थिंक क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड थी सो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ माई कीपिंग माई सेल्फ कंफर्टेबल. सो नाउ हाउ टू कॉम्बैट दिस, अब इस स्ट्रेस ईटिंग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. आई टेल यू फ्यू टिप्स कि हम इस स्ट्रेस ईटिंग को कम्प्लीट कर सकते हैं. आई टेल यू फोर थिंग्स. फर्स्ट थिंग कि जब भी आपको भूख लग रही है, सबसे पहली चीज आप एक काम करिए कि हैव अ ग्लास फुल ऑफ वाटर. कभी कभी हमने खाना खा रखा होता है उसके बाद भी हमको लगता है कि वी आर स्टिल हंग्री, सो दैट कैन बी दैट योर बॉडी नीड्स वाटर. थर्स्ट भी आपकी उस भूख को फुलफिल कर लेती है. एक ग्लास पानी पीकर आई और उसके बाद देखिए क्या अभी भी मुझे भूख लग रही है. वन थिंग, जब हम भूखे होते हैं तो उस वक्त हमको जंक फूड नहीं चाहिए होता है. जब हम भूखे होते हैं उस वक्त हर बार हमको आइसक्रीम नहीं चाहिए होती है या हमको नाचोस नहीं चाहिए होते हैं, हमको समोसा कचौड़ी नहीं चाहिए होता है, बर्गर्स नहीं चाहिए होते हैं. बट वेन वी आर हंग्री, अगर हम गाजर भी खाएंगे, कुछ सलाद भी खाएंगे, दाल रोटी भी खाएंगे तो भी हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, हमारा पेट भर जाएगा. सो अगर आप दूसरी चीज आप ये देखेंगे कि अगर आप भूखे हैं सो गो एंड ईट सम सैलड. पहले आप खीरा टमाटर कुछ खाकर देखिए, उससे अगर आपकी भूख सेटिस्फाई होती है दैट मीन्स यू आर रियली हंग्री. अगर उससे आपकी भूख सेटिस्फाई नहीं हो रही है दैट मीन्स आप इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं. सो दैट इज अनदर थिंग दैट यू कैन चेक योर सेल्फ दैट यू आर इमोशनल ईटिंग. थर्ड थिंग, जब भी आप कहीं पार्टीज पे जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, यू नो दैट इज अ सेलिब्रेशन कि अरे वाह रिजल्ट्स आए, लेट्स सेलिब्रेट. ओ आई वन द मैच, लेट्स सेलिब्रेट. आज बर्थडे है, ट्रीट चाहिए, लेट्स सेलिब्रेट. और जब हम सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं तो हम अक्सर ज्यादा खा लेते हैं. एक्सेस ऑफ ईटिंग हैपन्स. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ इमोशनल ईटिंग, क्योंकि हम बहुत खुश हैं. हैप्पीनेस इज ऑल्सो अवर इमोशन. तो जब हम बहुत खुश होते हैं हम खा लेते हैं. हाउ कैन यू मैनेज दैट ईटिंग ऑफ हैप्पीनेस ईटिंग, उसके लिए जब भी आप खाते हैं आप बात करते करते खा रहे हैं. सो गिव पॉज एंड ईट. फिर आप सोचेंगे कि अगर सामने वाला बात कर रहा है, मैं खा ही नहीं रही हूं तो मेरा पेट कैसे भरेगा, मैं खाऊंगी क्या. सो इन दैट केस ऑलवेज टेक केयर कि आप थोड़ा 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 खाते रहें, आप सामने वाले की बात भी सुन रहे हैं. गिव पॉजेस एंड देन ईट. आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है फॉर्मैलिटी सेक कि जब तक आपका गेस्ट या जब तक आप अपने फ्रेंड्स या जब तक आप साथ वाले लोगों के साथ बैठे हैं वो लोग खा रहे हैं तब तक आपको भी खाते रहना है, खाते रहना है, खाते रहना है, खाते रहना है. स्टमक इज योर्स, हेल्थ इज योर्स, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी. सो हैव मिनिमल ईटिंग, थोड़ा 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 खाइए और अपने खाने को तब तक कैरी ऑन करिए जब तक आपका सेलिब्रेशन ओवर नहीं हो जाता है. अनदर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच रियली वर्क्स, मेरे साथ तो बहुत वर्क करता है कि जब भी मैं खाना खा लेती हूँ उसके बाद मुझे लगता है नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं आया, आई नीड टू टेक सम डेजर्ट, आई नीड टू ईट समथिंग, मुझे कुछ मीठा खाना है या कुछ और करना है, क्रेविंग होती है. सो आप अपना डिनर करके गोफरा चेयर पर से उठ जाइए, थोड़ा सा घूमकर आइए
और उसके बाद आप देखिए कि क्या अभी भी आपको भूख लग रही है, बिकॉज देन योर माइंड गेट्स अ ब्रेक, आपके दिमाग को एक ब्रेक मिलता है और वो सोच पाता है कि क्या वास्तव में भूख लग रही है या बस मुझे खाना है इसलिए मैं खा रही हूँ या मैं खा रहा हूँ. दैट इज स्ट्रेस ईटिंग, दैट इज इमोशनल ईटिंग अगेन, दैट आई एम जस्ट ईटिंग फॉर द सेक ऑफ ईटिंग, क्योंकि मुझे कुछ कमी महसूस हो रही है, मुझे बस खाना है खाना है खाना है खाना है. सो गिव दैट पॉज एंड वन गुड थिंग इज जो हमारे माउथ फ्रेशनर्स होते हैं, सौंफ घर में सबके पास होती है, तो आप खाना खाने के बाद उठ जाइए, इमिडिएटली गेट अप फ्रॉम द डाइनिंग चेयर, आप अपनी प्लेट्स अपने बर्तन आप उठा के रखते हैं, आप रख दीजिए. डू इट बाय योरसेल्फ, यू नो, इफ यू वांट टू ट्रेन योर माइंड डू इट बाय योरसेल्फ. वो आप रखिए और उसके बाद आप सौंफ या कोई भी माउथ फ्रेशनर ले लीजिए. दैट विल चेंज द टेस्ट ऑफ योर माउथ. आपके माउथ का जब टेस्ट चेंज होगा तो आप कंफर्टेबली ये फील कर पाएंगे, योर ब्रेन विल अगेन गेट टाइम टू थिंक कि हाँ मेरा पेट भर गया, वेदर माई स्टमक इज फुल और आई एम स्टिल हंग्री. इफ योर ब्रेन सेज नाउ दैट येस माई स्टमक इज फुल, दैट मीन्स इट्स नॉट एन इमोशनल ईटिंग. दैट मीन्स कि आप जो खा रहे हो आपके खाने पेट भरने के लिए भूख की वजह से नहीं खा रहे हो, यू आर ईटिंग बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस और बिकॉज ऑफ सम इमोशनल बिहेवियर. सो दिस थिंग, माइंडफुल ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो कि माइंडफुली कैसे हम खाते हैं. इफ यू आर माइंडफुल वाइल ईटिंग, अगर आप पूरी तरह से अपने फोकस कर रहे हो, अपने खाने पे फोकस कर रहे हो, यू एंजॉइंग योर ईटिंग, आप ध्यान से उसको खा रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, तो आपको पता रहता है कि कब मेरा खाना हो गया है, कब मेरा पेट भर गया है, एंड आई एम कंटेंट, आई एम सेटिस्फाइड एंड आई डोंट वांट टू ईट मोर, एंड यू कैन यू नो से कि नो थैंक यू आई विल नॉट हैव मोर. सो सेइंग दिस नो थैंक यू आई विल नॉट हैव मोर विल रियली हेल्प यू एंड सेव यू फ्रॉम दैट गिल्ट जो बिंज ईटिंग के बाद होता रहता है कि ओ मैंने इतना खा लिया, आई हैव टुक ऑन सो मेनी कैलोरीज, अब मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा और आई एम गोइंग टू पुट ऑन वेट. So all these things, you know, you can save yourself from all these things. I'll share the link of my mindful eating video in the description below. And for further videos, further information, upcoming videos, subscribe this channel, Dr. Manisha Positive Mind, ताकि आपको ऐसे और videos मिलते रहें. And share these videos with people you really feel will be benefited with it.